ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कहते हैं कि न्यूटन ने वर्ष 1666 में पेड़ से सेब गिरते हुए देखा और उनके मस्तिष्क में यह ज्ञान पौंधा कि धरती सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। यह कथा न्यूटन के साथ भी न्याय नहीं करती और उनसे सैकड़ों वर्ष पहले के वैज्ञानिकों के साथ भी न्याय नहीं करती, जिन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कई सिद्धांत विकसित किए थे। न्यूटन के काल से कोई 500 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, भास्कराचार्य ने अपने द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ में आकाशीय पिंडों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इस ग्रंथ के गोलाध्याय खंड के भुवन कोश के श्लोक 6 में वे लिखते हैं, आनंदाश्रम संस्कृत ग्रंथावली 122 प्रकाशित 1943। आकृष्टि शक्तिश्च महीय तथा यत स्वस्थम गुरु स्वभाव स्वभा मुखम स्वशक्तया आकृष्यते तत् पतति भांति समय समन्तात्व पतत्वयम् खे। इसका अर्थ है कि धरती में आकर्षण शक्ति है जिससे वह हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसी आकर्षण की शक्ति के कारण हर वस्तु धरती की ओर गिरती है। न्यूटन की महानता सेब गिरना देखकर धरती के आकर्षण के बारे में जानने में नहीं है। सेब का गिरना और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर लगभग वृत्ति कक्षा में चलना, ये प्रकृति के एक ही नियम के प्रतिफल है। ऐसा सिद्धांत स्थापित करना न्यूटन की महानता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर आर बराबर 3.85×10⁵ किलोमीटर की त्रिज्या के लगभग वृत्ताकार पथ में चलता है और एक चक्कर 27.3 दिनों में पूरा करता है। वृत्ताकार पथ में चलती वस्तु का त्वरण केंद्र की ओर होता है, इसलिए चंद्रमा पर पृथ्वी के केंद्र की ओर एक बल लगना चाहिए। यह स्वाभाविक सी बात है कि यह बल पृथ्वी द्वारा लगाया जा रहा है। चंद्रमा का त्वरण ओमेगा स्क्वायर आर बराबर, इसे हल करें तो 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी ओर पृथ्वी की सतह के आसपास की सेब आदि वस्तुएं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे गिरती है एक्सेलरेशन। अतः ए सेब एक्सेलरेशन सेब को अगर एक्सेलरेशन चंद्रमा में भाग कर दिया जाए तो 3600। पुनः चंद्रमा की पृथ्वी के केंद्र से दूरी को सेब की पृथ्वी के केंद्र से दूरी को अगर हम चंद्रमा की पृथ्वी के केंद्र से दूरी करीबन 3.85×10⁵ किलोमीटर है और सेब की पृथ्वी के केंद्र से दूरी 6400 किलोमीटर है तो इसको सॉल्व करने पर 60 आता है। समीकरण पहला दूसरा सेब ए सेब अपॉन ए चंद्रमा बराबर है डी चंद्रमा अपॉन डी सेब का होल स्क्वायर के बराबर। न्यूटन ने माना कि चाहे पृथ्वी के सतह के पास की सेब जैसी वस्तुएं हों या चंद्रमा जैसा आकाशीय पिंड, पृथ्वी हर वस्तु पर एक ही नियम के अनुसार बल लगाती। अपने समय का यह अत्यंत साहसिक फैसला था। प्राचीन काल के पश्चिमी विज्ञान में यह धारणा प्रबल थी कि धरती पर की घटनाओं के नियम अलग होते हैं और आकाशीय पिंडों के अलग। न्यूटन ने इस अवधारणा से परे हटकर संपूर्ण ब्रह्मांड में भौतिकी के एक ही प्रकार के नियम होते हैं इस अवधारणा की स्थापना की। समीकरण थर्ड से न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, चूंकि बल इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी डायरेक्ट कहा जा सकता है कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर या डी स्क्वायर, चूंकि बल त्वरण तथा द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। क्योंकि न्यूटन के तीसरे गति के नियम से धरती जितना बल किसी वस्तु पर लगाती है उतना ही बल वस्तु भी धरती पर लगाती है, अतः यह बल धरती के द्रव्यमान के भी समानुपाती है।